Hello kids, this is VK Preschool Simi online class. Yoshubhasav is back. This is for class 1. Subject is English Literature. Take out your English Canon book. Page number 15, A number exercise. Write yes, I can or no, I cannot for the following questions. Bachcho, C-A-N can. C-A-N can. यहां देखिए बच्चों सी ए डबल एन ओ टी कैनॉट कैनॉट. बच्चों हम लोग कैन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी काम को कर सकते हैं, जिस काम को करने की हमें एबिलिटी रहती है तब हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं. जिस काम को हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम लोग कैनॉट का इस्तेमाल करते हैं. सी ए डबल एन ओ टी कैनॉट. अगर आपको स्विम करना, पानी में तैरना आता है तो आप क्या बोलेंगे? यस आई कैन स्विम. अगर आपको तैरना पानी में नहीं आता है आप क्या बोलेंगे? नो आई कैन नॉट स्विम. यस, तो यही हमारा एक्सरसाइज है. लेट्स चेक आउट. राइट यस आई कैन और नो आई कैन नॉट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के लिए आपको यस आई कैन या फिर नो आई कैन नॉट से आंसर देना है. नंबर 1, कैन यू स्क्वीक लाइक ए माउस? क्या आप माउस की तरह बोल सकते हैं, स्क्वीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? नो आई कैनॉट, कैपिटल एन ओ नो कॉमा गिव अ कॉमा, आई कैनॉट, आई शुड बी कैपिटल. नंबर 2, कैन यू रन लाइक अ माउस ऑन फ्लोर? क्या आप जमीन में माउस की तरह, चूहे की तरह दौड़ सकते हैं? नो no. अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप यस आई कैन लिखेंगे, अगर नहीं दौड़ सकते तो आप लिखेंगे नो आई कैनॉट. ओके नेक्स्ट. 3 नंबर, कैन यू स्लिप अंडर द बेड? क्या आप बेड के अंदर स्लिप कर सकते हैं, जा सकते हैं बेड के अंदर से? आई थिंक प्रोबेबली नो. अगर आप बहुत छोटे होंगे तो आप लोग जा भी सकते हैं बेड के अंदर ना, कुछ नॉटी बच्चे से करते हैं ना, दे गो अंडर द बेड. सो यस आई कैन या फिर नो आई कैन नॉट से आंसर करनी है. नेक्स्ट 4 नंबर, कैन यू रिसाइट अ पोएम अबाउट अ माउस? क्या आप चूहे के लिए कोई कविता बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यस आई कैन. अगर नहीं बोल सकते तो आप लिखेंगे नो आई कैन नॉट. 5 नंबर क्वेश्चन, कैन यू स्विम? क्या आपको तैरना आता है? अभी सर ने बताया है, आपको जवाब देना है यस आई कैन में या फिर नो आई कैन नॉट में. लास्ट क्वेश्चन, कैन यू जंप? क्या आपको जंप करना, उछलना आता है? एवरीवन नोस यस. सो राइट डाउन यस आई कैन. सो दिस इज द एक्सरसाइज. ये आपको बुक में भी करनी है एज वेल एज आपको कॉपी में भी करनी है. दिस इज बुक एंड कॉपी वर्क. हैप्पी लर्निंग. गुड बाय.